डब्ल्यूएच फैमिली में अब हमारे पास आते हैं विच। विच का उर्दू में जो हम मतलब रहते हैं वो जोनसा। अच्छा, विच ऐसा इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी काम करेगा, ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन भी काम करेगा, एंड ऐसा इंटरोगेटिव डिटरमिनर भी काम करेगा। डिटरमिनर का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डिटरमिनर प्रोनाउन ही होता है, लेकिन जब प्रोनाउन के आगे नाउन लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव। विच सिंपल ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा, विच इज योर फेवरेट टीम। लेकिन जब इसी विच के साथ आ जाएगा विच वन इज योर फेवरेट टीम, तो यहाँ पे नाउन आ गया हमारे पास, तो ये जो है विच इसको डिटरमाइन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा डिटरमिनर इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं एग्जांपल के साथ। अच्छा, विच ऐसा इंटरोगेटिव प्रोनाउन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने लिमिटेड चीजों को स्पेसिफाई करना होती है। जब हम लिमिटेड रेंज में किसी बॉडी को किसी चीज को स्पेसिफाई करेंगे वहां पे हम विच को ऐसा इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लाइक विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहां पे आप देखें जो सब्जेक्ट की रेंज है दैट इज वेरी लिमिटेड, ठीक है। तो यहां पे हमने विच का इस्तेमाल किया। अब एक क्वेश्चन पैदा होता है कि लास्ट में जब हमने वर्ड पढ़ा था तो वर्ड में भी हमने यही पढ़ा था, सम बॉडी सम थिंग में हमने किसी चीज को स्पेसिफाई करना हो, तो वहां पे एक चीज देखना, विच तब हम इस्तेमाल करेंगे जब रेंज लिमिटेड होगी, और वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे जब वाइड रेंज होगी। यहां पे अगर आप देखें सब्जेक्ट की जो रेंज है वो लिमिटेड से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पे हम देखें व्हाट म्यूजिक डू यू लाइक, तो यहां पे म्यूजिक की रेंज एक वाइड रेंज है, दुनिया में बहुत किस्म के म्यूजिक हैं, तो यहां पे एक लिमिटेड रेंज नहीं है, तो यहां पे हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसका इस्तेमाल देखते हैं ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे। जब कोई पहले बात की गई उसको रिलेशन बनाने के लिए उसकी वजह से कोई काम हो तो वहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे आई प्रेफर रूम विच ओवर लुक द माउंटेन, तो यहाँ पे ये जो रूम है हमारा और यहाँ पे विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये जो रूम को इससे कनेक्ट कर रहा है ओवर लुक द माउंटेन, कि वो रूम चाहिए जहां से पहाड़ नजर आए, ठीक है। तो विच यहाँ पे इसको रूम को इसके साथ कनेक्ट कर रहा है। अब हम विच का इस्तेमाल देखते हैं ऐसा इंटरोगेटिव डिटरमिनर। और डिटरमिनर का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डिटरमिनर मतलब नाउन ही होता है। डिटरमिनर और इंटरोगेटिव डिटरमिनर और इंटरोगेटिव प्रोनाउन सेम ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि प्रोनाउन के फौरन बाद ही हम इंटरोगेटिव डिटरमिनर और इंटरोगेटिव प्रोनाउन सेम ही है, लेकिन उसमें डिटरमिनर में क्या होता है कि प्रोनाउन के फौरन बाद ही सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पे विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल कर हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लिखेंगे विच सब्जेक्ट यू लाइक बेस्ट, तो यहाँ पे ये नाउन जो है इसके साथ आ चुका है, तो इसलिए ये डिटरमिनर के तौर पे इस्तेमाल करेगा, और यहाँ पे आपको चॉइस मिलेगी कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, क्लियर। अब हम विच का इस्तेमाल देखते हैं ऐसा रिलेटिव डिटरमिनर के तौर पे। अच्छा, जब रिलेटिव डिटरमिनर के तौर पे विच इस्तेमाल होगा तो अपने से पहले आने वाले नाउन की तरफ ये जो स्टेटमेंट होगी उसको सिग्निफाई करेगा, उसकी तरफ इशारा करेगा। एग्जांपल समझते हैं, तो यहाँ पे देखिए ही विजिट्स मी इन समर, तो यहाँ पे समर नाउन है, एट विच टाइम, तो यहाँ पे जो विच है ये इसको सिग्निफाई कर रहा है कि समर्स में जब वो मेरे पास आता है तो समर्स में मैं क्या करता हूँ, बाहर होता हूँ। तो ये पहले वाला नाउन है इसको इसके साथ कनेक्ट कर रहा है कि समर्स में मैं कहाँ पे होता हूँ, अब्रोड यानी बाहरी कंट्रीज में, क्लियर। इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं, द न्यूज़ वेंडर कम्स अर्ली मॉर्निंग एट विच टाइम आई यूजुअली स्लीप,
तो ये विच के बाद एक ये स्टेटमेंट है आई यूजली स्लीप। यहाँ पे जो विच है इस स्टेटमेंट को इस टाइम के साथ मिला रहे, यानी द न्यूज वेंडर कम्स अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और उस टाइम पे मैं सोया होता हूँ। क्लियर?